देखिए सर, अगर इसकी डेंट होता तो मेरे भाई के सर पे पूरा खून लगा होता, देख लीजिए खुद। ये जो कलाकारी कर रहे हो ना, तो पूरा सर वाइट। जेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई का सर दो दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में, या तो दो दिन का समय है, जो करना कर लो इसके अंदर। जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने, फिर बता दूंगा तुम्हें, फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ एसओ अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में, जिसे एक्सीडेंट बता रहा है, वो प्योर मर्डर का केस है। ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा दो, ठीक है? बचाव लगे हो ना, आपका काम तो मुलजिम को बचाना है, आपका ये काम थोड़ी है कि जो विक्टिम है उसकी गिरफ्तारी करो। नहीं सर, जब मैं ना जब फोन लगाई, लोग गाड़ी दे रहे थे बाहर, जब मैं इनके पास फोन लगाई तो बोले मैं आ रहा हूँ खुद, फिर नहीं आए, फिर बोले कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ। ना कोई पुलिस आई, ना ये खुद आए, और नहीं तो खुद देख लेते सामने ना कैसी हरकत करते हैं ये लोग। मैं खुद थाने में गई, एक महीने तक लगातार जाती रही और बोले कि चलो मैं शाम को आऊंगा, चलो मैं शाम को आऊंगा, एक दिन भी नहीं आए। और देखिए सर, अगर इसके ये जितने मुलजिम हैं इनको बिठाइए यहाँ पर पहले, ठीक है? यहाँ लेकर आए हो, किसी को पकड़ के लेकर आए हो? इन्हें सब लेकर तुम यहाँ पर आइए। अगर कल तक नहीं लाए इनको सबको, कल आपका होगा निलंबन, ठीक है? दूसरा एसओ वहाँ वो करेगा। सर अगर इसकी डेंट होता तो मेरे भाई के सर पे पूरा खून लगा होता, देख लीजिए खुद। ये जो कलाकारी कर रहे हो ना, तो पूरा सर वाइट। जेल जाओगे, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे भाई का सर दो दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में, या तो दो दिन का समय है, जो करना कर लो इसके अंदर। जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने, फिर बता दूंगा तुम्हें, फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई। लाइए अभी जाके जिसके बयान वाल लेने, दो दिन का टाइम है, कल मैं तुम्हें सही कर दूं बिल्कुल एकदम। जिसके पूछताछ की इन्होंने इनसे, आपने इन्होंने देखे तीनों है, देखे इनके तीनों, पूछिए सारी शिकायतें आपके थाने की। कितने दिन से हुआ जब ये घटना हुई, कौन था ऐसो? आप ही थे, तो आपकी करामात आते हैं सारी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ एसओ अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में, जिसे एक्सीडेंट बता रहा, वो प्योर मर्डर का केस है, ठीक है? एफआईआर भी लिखाई थी, पूरी सुनकर लिखाई थी मैंने, उसमें लगातार पैरवी हो रही है, एफिडेविट पढ़ रहे हैं, इससे कोई दिल लेना देना नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ तीन चार एप्लीकेशन और इसके यहाँ, तीन चार और ऐसी एप्लीकेशन आई हुई है, अंतु के सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। इसको आज ही लाइन हाजिर कीजिए पहले, अगर आप लाइन हाजिर आज शाम तक नहीं करोगे तो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा शाम तक, ठीक है? करके बताइए मुझे। चलिए जाइए, आपकी जरूरत है, आज शाम तक जितना करना कर दिया, फिर मैं रात को बताऊंगा, दो दिन के अंदर बताऊंगा कि कैसे नौकरी की जाती है। सर हमारे मामले में हुआ है, हमारे हमारा दरवाजे पे कभी नहीं दिए, कभी तब भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए सर। ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा सर, बोलते हैं यहाँ से कभी हम नहीं जाएंगे गिरफ्तार करने के लिए। राजस्थान दरवाजे पे, वो भी दरवाजे पे पीटते हैं। बोलो सर हम कहाँ पे जाए, ना माँ बाप, ना माँ ना बाप है, ये तीन चार एप्लीकेशन इकट्ठी करके इसी में इसका निलंबन जारी कर दो सारी केसेस, केस में लापरवाही के संदर्भ में। मुजरिमों को बचा रहा था दारोगा, एडीजी के पास पहुंच गई लड़की, बताया कि मेरे भाइयों को किस तरीके से फोन से बुला करके कर दी गई हत्या, जबकि दारोगा बता रहा था एक्सीडेंट। जी हां, इस पूरे मामले में भड़के एडीजी ने तत्काल थानेदार साहब को सस्पेंड कर दिया। दरअसल आपको बता दें, मामला है यूपी के प्रतापगढ़ जिले का, जहां यूपी के प्रतापगढ़ के थाना अंतु में एक मामला निकल गया, जहां दिलवर और दिलशाद नाम के दो युवकों ने एक व्यक्ति को जो है, एक युवक को फोन करके बुलाया कि घूमने चलते हैं, जिसके बाद उन दोनों युवकों ने उस युवक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद थानेदार ने इसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया, और एक्सीडेंट के रूप देने के बाद काफ़ी लंबे समय तक परिजनों को लगने लगा कि हमारे भाई की हत्या हुई, हमारे बेटे की हत्या हुई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब ये पूरा मामले की सुनवाई नहीं हो पाई ठीक से, तो मामला एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इलाहाबाद प्रेम प्रकाश तक पहुंचा। फिर एडीजी ने तत्काल कप्तान साहब को फोन लगाया, उस पूरे मामले में इस दारोगा को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया, कहा अगर 24 घंटे के अंदर इसका निलंबन नहीं हुआ तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और दूसरे दारोगा को चार्ज दे दिया गया। जरा सुन लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेम प्रकाश ने एक्शन लिया इस दारोगा पर।
कहा गया इधर? ये क्या हुआ 319/2022 में? आप पीछे रहो। प्रतापगढ़ से कहाँ से लौट के आ रहे थे? फिर क्या हुआ सर? चौराहे गाँव पड़ता है, चौरा रास्ता तो बाटू के बीच में सर। ये दो दो बाइकों से सर छह लोग थे, एक दूसरा बाइक सवार सर आया, उसने आपस में पास हुई, इन छहियों को उसको दौड़ाया, उसने नागेश्वर स्कूल में उसके पास सर पीछे उस बाइक सवार को छह लोगों ने मारा, छह लोगों ने बाइक सवार को मारा, पिटाई की, पिटाई कर दी उसकी, ठीक है। दौड़े की तरफ दो बाइकों से छह लोग भागे, एक बाइक जो इसके भाई थे सर और सर उसके बाद सर इनके भाई की चोट बेहोश थी। तीसरा कौन था? एक आगे गांव में था, वो बाहर चला गया सर। इसके कहाँ चोट लगी? इसके दिल साथ की सर, ये लगी कमर में थी सर, इसके टूटा फटा गया था। ये सर टूटा नहीं था सर, इसके कमर में लगी बस। उसकी फीमर टूट गई, एड़ी फट गई, एड़ी आधी सर फट गई सर, और हाथ में हाथ में खरोच थी। वो भी अभी अभी अस्पताल अभी एक बार आ गया सर, काशी का भी मौजूद है सर। तो सर वो क्या कहानी बता रहे हैं वो बाकी दोनों? जी सर। क्या कहानी बता रहे हैं? अलग अलग पूछताछ हुई? क्या कह रहे हैं? किस किस के नाम से दिया? ये इनके पिताजी के और दो साथी थे, एफिडेविट बनवाकर घर में लाए थे, घर में था, मैंने सिग्नेचर कर दिया था, तो था एफिडेविट जिसका मोबाइल नंबर दूसरा लिखा हुआ मेरा नहीं, किसी और का। उसने भी बताया सर। ये क्या कहने चश्मदीद, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। कहाँ रहते हो? क्या हुआ था? तेज आवाज में बोलो जोर से। कौन थे वो छह आदमी जिन्होंने मारा? जनमाल। कौन थे वो छह आदमी? नाम क्या है उनके? जानते नहीं? तो ये दिखवाया वहाँ कि कौन थे वो छह आदमी जिन्होंने अटैक किया था? ये इतने दिन से पैर भी करती घूम रही हैं, सुना आपने इनको? एफिडेविट दिलवाया आपने इनका? कहाँ है, किसके पास है? और एफ आई आर भी आपके आदेश से हुई है, वहाँ ऐसे नहीं हुई है, एक महीने बाद। वो छह आदमी पता लगाया कि कौन थे वहाँ पर, क्यों भाग रहे थे, क्यों एक्सीडेंट हुआ? फिर पकड़े वो, बुलाए? इनके साथ ये तो कहानी तुम सुना रहे हो कि वो बाइक से टूट गया, उसकी फीमर टूट गई, ये टूट गया। एफ आई आर पढ़ना जरा क्या है? पुरानी दुश्मनी थी, जिन्होंने मारा है उनकी पुरानी दुश्मनी थी।
साथी सकीना मानसू की मासूम गए निवासी जो है कि नगर पंचायत निवासी है। दिनांक 13/5/22 के समय करीब 1 बजे दिन की घटना है। प्रार्थी का भाई इश्तियाक अहमद मासूम के लिए मंडप सजाने का काम करता था। प्रार्थी का भाई सजावट का सामान लेकर अंटू अपने घर आ रहा था। रास्ते में दिलवर अली पुत्र जानी पुत्र महमूद आलम व दिलसाद अली पुत्र मकबूल व राजा सुतमित कुमार आकाश तीरथ राजू कपिल से निवासी बंडा समस्त आरोपीगढ़ निवासी कर नगर पंचायत अंतु प्रतापगढ़ प्रार्थी के भाई को दिलवर अली तथा दिलसाद ने फोन करके बुलाया। बहुत अधिक समय हो जाने के कारण प्रार्थी से दिलवर अली कहाँ पर है दिलवर अली से पूछताछ हुई क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी देखी नहीं होगी आप होश ही नहीं होगा आपको ये सब तो देखने का आपको ये थोड़ी देखना आपको तो बचाव के रास्ते देखने हैं ये आपकी ड्यूटी थोड़ी है कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखूं कॉल डिटेल देखी उसकी दिलवर अली की निकाल ली कॉल आई है जो ये कह रहे हैं कि कॉल आई थी कॉल करके बुलाया बात हुई इनकी बात भी घटना के एक्सीडेंट हो गया था उनकी बात भी उससे पहले नहीं हुई जो इन्होंने FIR में लिखाया कि उसने फोन करके उसको बुलाया सर ये कभी नहीं होता है सारी चीजें तो हो चुकी थी तब उसने फोन किया ये कह रहे हैं कि सामने दिलवर अली व दिलशाद सुत मकबूल जो प्रार्थनी के पड़ोस में रहते हैं आए और मुझे धमकी दिया कि ज्यादा भाग दौड़ करो पैरवी करना बंद करो इस बात की हुई तहकीकात क्यों नहीं निकाल रहे सीडिया अभी तो बचाव में लगे हो ना आपका काम तो मुलजिम को बचाना है आपका ये काम थोड़ी है कि जो विक्टिम है उसकी तरफदारी करो नहीं सर जब मैं ना जब फोन लगाई ये लोग गाड़ी दे रहे थे बाहर जब मैं इनके पास फोन लगाई तो बोले मैं आ रहा हूँ खुद फिर नहीं आए फिर बोले कि मैं पुलिस भेज रहा हूँ ना कोई पुलिस आई ना ये खुद आए और नहीं तो खुद देख लेते सामने नहीं कैसे हरकत करते हैं ये लोग मैं खुद थाने में गई एक महीने तक लगातार जाती रही और बोले कि चलो मैं शाम को आऊंगा चलो मैं शाम को आऊंगा एक दिन भी नहीं आए और देखिए सर अगर इसके टाइम ये जितने मुलजिम हैं इनको बिठाइए यहाँ पर पहले ठीक है यहाँ लेकर आए हो किसी को पकड़ के लेकर आए हो इन्हें सब लेकर तब यहाँ पर आइए अगर कल तक नहीं लाए इनको सबको कल आपका होगा निलंबन ठीक है दूसरा SO वहाँ वो करेगा इन्वेस्टिगेशन देखिए सर अगर इसके टाइम होता तो मेरे भाई के सेट पे पूरा खून लगा होता देख लीजिए खुद ये जो कलाकारी कर रहे हो ना तो पूरा सेट जेल जाओगे बता रहा हूँ ना आपको मेरे भाई के अभी 2 दिन में जेल भेज दूंगा इसी चीज में या तो 2 दिन का समय जो करना कर लो इसके अंदर जब मैं कल शाम को बैठूंगा ना इसका रिव्यू करने फिर बता दूंगा तुम्हें फिर मैं निकाल दूंगा एक एक चीज तुम्हारी कि क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी और क्या क्या इसमें रह गई लाइए चलिए ठीक है लीजिए अभी जाके जिसके बयान व्याल लेने 2 दिन का टाइम है कल मैं तुम्हें सही कर दूंगा बिल्कुल एकदम जिसके पूछताछ की इन्होंने इनसे आपने इन्होंने देखे तीनों है देखे इनके तीनों पूछे सारी शिकायतें आपके थाने की कितने दिन से हो वहां जब ये घटना हुई कौन था ऐसो आप ही थे तो आपकी कराम आते हैं सारी हेलो सर गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मैं देख रहा हूँ SO अंतु को तलब किया था मैंने एक मामले में जिसे एक्सीडेंट बता रहा है वो प्योर मर्डर का केस है ठीक है FIR भी लिखाई थी पूरी सुन के लिखाई थी मैंने उसमें लगातार पैरवी हो रही है एफिडेविट पढ़ रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 एप्लीकेशन और इसके यहाँ 3-4 और ऐसी एप्लीकेशन आई हुई हैं अंतु के सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं इसको आज ही लाइन हाजिर कीजिए पहले अगर आप लाइन हाजिर आज शाम तक नहीं करोगे तो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा शाम तक ठीक है करके बताइए चलिए जाइए आपकी जरूरत आज शाम तक जितना करना कर दिया फिर मैं आपको बताऊंगा 2 दिन के अंदर बताऊंगा कि कैसे नौकरी की जाती है सर ऐसे हमारे मामले में हुआ है हमारे दरवाजे पे कभी नहीं किए और तब भी नहीं गए कभी भी नहीं गए सर ये सारी एप्लीकेशन आज इकट्ठी करके इसका निलंबन पत्र बनवा सर बोलते हैं ठीक है जाइए यहाँ से कभी हम नहीं जाएंगे गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान दरवाजे पे वो भी दरवाजे पे पीटते हैं बोलो सर हम कहाँ पे जाएं ना माँ बाप ना है ना बाप है ये 3-4 एप्लीकेशन इकट्ठी करके इसी में इसका निलंबन जारी कर दो सारी केसेस केस में लापरवाही के संदर्भ में